क्या कर रहे हो? कैमरा पकड़ने में इसलिए मैं नहीं ना इतना मतलब अच्छा अच्छा गुड मॉर्निंग गाइस, टसिटी देसी वारे पीपल, नमस्ते, दिस इज योर दर्शन थमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन ब्लॉग्स। और गाइस आज मैं जा रहा हूँ टाउन में, तो आज स्पेशली हम योजना के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पर है योजना। गाइस इट्स ऑलरेडी 10:30 हो गए, अभी अपना एक एडिटिंग करना था तो वो करके मैं निकल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ दिव्यम के म्यूजिक स्कूल में। लोगों को पता है पिछली बार मैंने वीडियो में थोड़ा सा दिखाया था, मतलब वो वीडियो देख के योजना बोला था मुझे भी गिटार क्लास करना है क्योंकि इसी वो सबसे इंटरेस्टेड। आज मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, तो इसको एडमिशन करवाना है वहाँ पर। इसका गिटार कहाँ पर है? तेरा गिटार माथी घर में, और इसका गिटार है लेकिन ये पता नहीं कहाँ पर रख दिया इसने, तो आज मेरा ही गिटार लेके जाएगा। आप मैंने वो बैंगलोर से खरीद के लेके आया था ना गिटार, तो आज के लिए मैं उसको मेरा अपना वाला गिटार दे लेता हूँ और फिर कल से या फिर परसों से वो अपना गिटार के साथ मतलब कार्स करेगी, तो देखेंगे मतलब योजना कितना गिटार में मतलब इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आज से ये जाएगी गिटार क्लास। एक्साइटेड? गिटार के कॉर्ड्स के बारे में पता है? अभी तो कुछ भी पता नहीं, ठीक है, लेकिन अभी एक महीने बाद मैं देखूंगा कितना इम्प्रूव होगा। ऊपर में सिटिंग रूम में है गिटार, हाँ मेरा गिटार मिला, गिटार हाँ वो है, उसका थोड़ा सा स्ट्रिंग वो करना पड़ेगा एडजस्ट। हाँ मम्मी, गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? आजर को लुगाई पटेर रहा। ओ गाइस फाइनली मेरे टी शर्ट सूख गया अभी, आफ्टर लॉन्ग टाइम, 3 साल बाद सूख गया मेरा 2 टी शर्ट। यजु चलो रेडी, ये प्रोफेशनल गिटारिस्ट है। अंदर हेलमेट तुम्हारे लिए, ये हेलमेट, रेनकोट लगे, ये छाता। मम्मी बाय बाय। आज सारा अली खान को गिटार क्लास जाते हैं। बाय 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 दृश्य। एक्चुअली हम ना यहाँ पर मेन रोड में आ चुके हैं, तो अभी मैं और योजना जा रहे हैं, तो इसको अभी गिटार क्लास में एडमिशन करवाना है। और सबसे पहले इसको स्कूल जाना है क्योंकि इसका रिजल्ट आउट हो गया है और ऑनलाइन हम लोगों ने देख लिया ये पास हो गया है, लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट है ना वो नहीं आया है, तो आज वही कलेक्ट करना है ना। तो पहले इसका स्कूल जाते हैं, तो वहाँ से इसका रिजल्ट लेके फिर हम जाते हैं दार्जिलिंग में। तो गाइस योजना को डर लग रहा है कैमरा पकड़ने में, इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ पर पहुंच गए घूम, और हमारे साथ में ये भी आ गए, देखो हाथ में कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन हमारे साथ बम्बल बी के साथ राइड करते करते घूम तक ये भी पहुंच गया, तो इसको छोड़ देते अभी। तो तेरा जगह यहाँ पर है, ठीक है बाय बाय। तो इस बम्बल बी को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया है, तो अभी योजना और योजना के दोस्तों के साथ हम जाएंगे स्कूल। दीपा, अविना, तृप्ति और योजना, चलो आज योजू के स्कूल जाएंगे। तो गाइस कितना लंबा सीढ़ी है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जा रहा हूँ। सब लोग पास हो गए ना, सिर्फ रिजल्ट लेना बाकी है। हाँ। इसका मतलब हम मतलब ये लोग आज हमें ट्रीट देगा सब लोग, चार जन। तो गाइस अभी हम पहुंच गए घूम गर्ल्स स्कूल, ये देखो गाइस। तो इन लोगों का रिजल्ट निकाल दिया है, तो सब लोग पास हो गए एकदम। योजना कति आयो? 71% तिम्रो? 70% 80% 72 आ, सब लोग इंटेलिजेंट है यार, हमारे तो कॉलेज टाइम में ना सिर्फ 50% आया था मेरा तो। अब कौन सा कॉलेज? साउथफील्ड। सबैजना जीसी योजना साउथफील्ड। तो गाइस ये सब लोग पास हो गए लेकिन ट्रीट हमें देना पड़ रहा है। इधर कदा इधर इधर है तुम लोग का फेवरेट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? कुछ भी नहीं भेज, कुछ भी नहीं भेज, रेस्टोरेंट ये नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स रेस्टोरेंट। चलो अंदर देखो गाइस, पास होने के बदले में ट्रीट नहीं सैनिटाइजर दे रहे। रोज फ्लेवर भी वो भी।
योजना के क्लासमेट्स ज्यादा वेजिटेरियन है, वेगन वेजिटेरियन सिर्फ ये और ये वेजिटेरियन है, हम दोनों तो चिकन ही करते हैं, तो इसकी वजह से आप लोगों को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना। सैक्रिफाइस दोस्तों के लिए चिकन तो सैक्रिफाइस कर ही सकते हैं यार। कुछ कर यार, कुछ कर यार, कुछ कर यार। वेज मोमो अच्छा अच्छा पी लो। सिर्फ एकदम सुप फेवरेट हो। मैं उठा ब्रेड इंसिडेंट इंसिडेंट मतलब कुछ कहा। सुबह सुबह मोमो खा लिया तो एक्चुअली ना इन लोगों को ट्रीट देना था, तो मैंने भी कुछ खाया, योजना ने भी कुछ खाया और मज़ा आ गया। कुछ कुछ खाया अच्छा लगा। ये सारे योजना के क्लासमेट्स है और इन लोगों से मिलकर क्लासमेट्स लो। अब तिमी रहता जाने जान्छु ल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब कलेज टाइम में मिलेंगे। हाँ ल बाय। चलो गाइस चलते हैं। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन और गाइस यहाँ का नज़ारा आप काफ़ी अच्छा है क्योंकि मौसम भी अच्छा है और ऊपर देखो तिरंगा लहरा रहा है। वहाँ पर टॉय ट्रेन देखो, वाह काफ़ी अमेजिंग। अभी हम लोग ने बाइक पार्क कर दिया है वहाँ पर सामने में है और अभी हम ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन में है और आप देख सकते हैं आई लव DHR दैट मीन्स दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। और यहाँ पर एक क्लॉक टावर भी बनाया है, सो दिस क्लॉक टावर इज लुकिंग अमेजिंग। और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है देखो गाइस। और ना गाइस आज योजू का जो गिटार क्लास है यहाँ से यहाँ कहीं पर है वहाँ पर जाना है, तो यहाँ से शॉर्टकट रोड है वहीं से जाना है ठीक है। तो आप लोग जस्ट ये व्यू दिखाने के लिए यहाँ पर भी आया था। योजना कैसा लगा? हाँ काफ़ी मतलब ये तो चेंज आएको थी यहाँ है ना, चेंज यो चेंज करें ल। और गाइस इंटीरियर भी अभी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन कर दिया है यहाँ पर रेलवे स्टेशन में, और पहले ऐसा नहीं था ना, मतलब ये भी नहीं था, ये क्लॉक टावर नहीं था और थोड़ा सा रेनोवेट किया है रेलवे स्टेशन को और इट्स लुकिंग ग्रेट अमेजिंग जू। तो चले अभी चलते हैं योजू का गिटार क्लास पहले। तो गाइस अभी पहुँच गए यहाँ पर दिव्यम के स्कूल में, म्यूजिक स्कूल में, ये कदमबरी होटल के पास में है वहाँ पर। फाइनली योजना का एडमिशन हो गया है एकेडमी फॉर म्यूजिक एजुकेशन। तो इसका फर्स्ट क्लास कहिले देखि हो? जुलाई है ना, मंडे मंडे देखि चाहिँ फर्स्ट क्लास शुरू हुन्छ योजना को। कंग्रेचुलेसन, बेस्ट अफ लक ल दिव्यम। थैंक यू आज लाइट पनि छैन रहेछ है। फाइनली योजना का मतलब अभी एडमिशन हो गया स्कूल में और एक्चुअली ये गिटार क्लास करने के लिए आए है लेकिन अभी पियानो में इंटरेस्ट दिखा रही है। दामी सुहाउँदो रहेछ तर तँलाई गोरी भएर क्या है। ह्याप्पी बर्थडे बजा त ल बाई दिव्यम, सी यु नेक्स्ट टाइम। अभी हम जा रहे चौरस्ता की तरफ। हम लोगों ने योजू का गिटार और वो वहाँ पर रख दिया है। आज बहुत ही अच्छा मतलब धूप खिल रही है इसलिए चश्मा पहनने का मन किया। दार्जिलिंग में ऐसा मौका हर रोज़ नहीं मिलता है स्पेशली मानसून में, तो आज मौका का फ़ायदा उठा के चश्मा पहन के घूम रहे एकदम। आइसक्रीम खाओगी? वो भी पूछने का बात है। तो गाइस स्कैवेंजर्स में आइसक्रीम खाएंगे अभी सबसे पहले। योजना और मेरा में देखो कंपेयर करो, मेरा थोड़ा सा टॉल है, मेरा थोड़ा सा टॉल है। ये मेरा लिख कोई साल नहीं। मेरे मोटे सा। चीयर्स। चश्मा लाइ दिऊँ है। गाइस आज का वाइब्स ना बहुत ही अच्छा है क्योंकि बहुत ही अच्छा धूप खिल रहा है, मौसम अच्छा है, हाथ में आइसक्रीम और वो भी सारा अली के खान के साथ मज़ा आ रहा है। आज अच्छा है बोले। जब हम थोड़ी देर चौरस्ते में जाके चिल आउट करेंगे एंड देन उसके बाद लंच करने के लिए जाएंगे। और आज स्पेशली ना लंच हम वेज रेस्टोरेंट में जाएंगे, प्योर वेज वाला, क्योंकि योजना के साथ आए हैं तो चिकन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा गाइस।
गाइस पहुंच गए चौरस्ता और योजना का आइसक्रीम इतना बचा है मेरा देखो हम यहाँ पर चौरस्ता का मतलब नज़ारा इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी अभी हम लोग ने यहाँ पर लाइव सेशन भी किया इंस्टाग्राम में और आप लोग मतलब बहुत सारे लोग जुड़े थे, थैंक यू सो मच गाइस। मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोग इंस्टाग्राम में भी आके बहुत सारे मतलब कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। और ये वाला लाइव ना मैंने इंस्टाग्राम में शेयर कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम मुझे फॉलो नहीं किया है तो यू कैन गाइस डिस्क्रिप्शन में भी है और आप फॉलो कर सकते हैं स्कॉर्पियो दर्शन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए प्योर वेज रेस्टोरेंट में। आज प्योर वेज दर्शन दादाले सैक्रिफाइस गर्नुपर्छ मैले थाहा छ के चिकन 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 को मारो गोली और खाओ वेज और खाओ साग सब्जी और खाओ साग सब्जी बा तो गाइस अभी यहाँ पर एक बुटीक स्टोर में आए हैं तो जहाँ पर काफ़ी अमेजिंग चीज़ें हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर मुझे ये वाला पसंद आया, देखेंगे दादा। तो गाइस यहाँ पर देखो एंटिक पीसेस बुटीक है। यो यो कति छ यो वाला? यो 395 यो फिक्स रेट हो हजुर? तो गाइस देखो मुझे ये वाला पसंद आया एंड दिस इज़ प्योर हैम्प मेड इन नेपाल और ये वाला ले रहा हूँ गाइस मैं। और इसमें काफ़ी स्पेस भी ज़्यादा है क्योंकि मेरा ये पावर बैंक एंड ये जो गोप्रो का बैटरी है ना वो भी फिट हो रहा है और भी रिमेनिंग यहाँ पर है पॉकेट्स। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ जैसे कि मेमोरी कार्ड्स एंड पैसा वैसा डाल सकता हूँ। यहाँ पर भी है एंड गाइस लुक एट द लुक्स एंड इजी एंड कंफर्टेबल वे ओके गाइज। मतलब अंदर ना इतना मतलब अच्छा अच्छा यूनिक प्रोडक्ट था और मतलब यूनिक चीज़ें देखने को मिला है ना योजना अंदर। एक्चुअली ना वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था तो मैंने ज़्यादा नहीं किया। और ये वाला बैग गाइज आप लोगों को भी शायद पसंद आया होगा, ये वाला मैंने अभी खरीदा है एंड इट्स सो नाइस और बहुत ही कम्फर्टेबल भी है। और कभी कभार ना मैं सिर्फ गोप्रो और उसका वो बैटरी लेके आता हूँ ना तो इतना बड़ा बैग लेने से तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है, तो ये बहुत ही ईजी एंड कन्वीनियंट भी है। तो चलो नेक्स्ट टाइम से यही लेके घूमूंगा मैं फिर से। योजना को कैसा लगा? स्पेस भी अच्छा है ना इसके अंदर। चलो गाइज अभी हम लंच करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर नीचे मैंने एक देखा था वो प्योर वेज वाला रेस्टोरेंट, वहाँ पर जाएंगे। ओके गाइज दिस इज द रेस्टोरेंट जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं, लजीज अफेयर, लेट्स गो। लजीज भी लजीज खाना मिलेगा या नहीं जस्ट चेक एंड इट्स प्योर वेज। श्रेणी पनि कस्तो दामी है है गाइस। यहाँ से जो नज़ारा है ना ओ माय गॉड देखो ब्यूटीफुल व्यू वाओ। बैठो योजना बस ना होते। हम लोगों ने ऑर्डर किया ये आलू पराठा एंड लच्छा पराठा ऑर्डर किया, वेज दो प्याजा, शायद इसमें प्याज ज़्यादा होगा वेज दो प्याज ज़्यादा। ओके गाइस तो फाइनली लजीज खाना आ गया है सामने एंड दिस इज पराठा एंड दिस इज ऑल्सो पराठा, ये लच्छा पराठा, ये आलू पराठा, देन ये क्या था प्याजा प्यादा दो प्याजा दो प्याजा नहीं दो भूखा भेज दो प्याजा भेज दो प्याजा, लेकिन यहाँ पर प्याज कहाँ है भाई मिल गया प्याज, एक प्याज मिला, दो प्याजा में सिर्फ एक प्याज मिला, अब दूसरा प्याज ढूंढना पड़ेगा ठीक है। ओके गाइस सो वी आर रेडी टू हैव अ लंच और यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू पराठा, लच्छा पराठा और ये दो प्याजा दो प्याजा, तो दो प्याजा और दो भूखा यहाँ पर रेडी है खाने के लिए। ये दही है तो लेट्स स्टार्ट आई पराठे, पहले पराठे खाएंगे उसके बाद ये खाएंगे। हाँ वाओ वेज खाना भी अमेजिंग होता है गाइस, बहुत अमेजिंग होता है। लेट्स टेस्ट आलू पराठा, आलू पराठे, इसमें पनीर भी है क्या? नहीं ये क्या है क्रीम जैसा
Let me try. Mm. Both tasty, guys. लाजवाब एकदम स्वादिष्ट कैसा लगा खाना बहुत टेस्टी डम्मी था ये है लच्छा पराठा तो गाइस खाना बहुत ही अच्छा है तो अभी हम एकदम एंजॉय करते करते खाएंगे तो आप लोगों को टाइम लैप्स में दिखाएंगे ठीक है तो खाना खत्म करने के बाद मिलते हैं सी यू गाइस खाना खा के दोनों अलस तलस हो गया अभी खाना बहुत टेस्टी था देखो गाइस पूरा हम लोग खाने एक भी नहीं बचा थोड़ा सा योजना ले एक पीस छोड़ दिया वरना खलास खत्म सब कुछ और मतलब खाना खाने के बाद मतलब सोने का मन कर रहे इतना ज़्यादा खाया ना मतलब ओ माय गॉड और आज थोड़ा सा यहाँ पर वो भी है ना गर्मी भी है मौसम भी अच्छा है इसलिए थोड़ा सा टायर्डनेस है आज अभी चलते हैं बुक 2:15 हो गया चलते हैं मतलब कि सुतने ओके गाइस अभी हम खाना खा के निकल रहे हैं बाहर ठीक है और खाना कैसा था खाना स्वादिष्ट स्वादिष्ट लाजवाब अमेजिंग था गाइस खाना दो प्याजा खा के अभी दो भुक्कर खाना खा के निकल रहे हैं अभी और ये जमे होके और ये रेस्टोरेंट का नाम क्या था लजीज अफेयर प्योर वेज रेस्टोरेंट चलो नीचे ज़्यादा काम नहीं है टाउन में ठीक है तो खाना वाना हो गया इसका जो म्यूजिक एडमिशन करवाना था गिटार क्लास का वो भी हो गया और चौरस्ता में घूम भी लिया और खाना भी खा लिया आइसक्रीम भी खा लिया सब कुछ हो गया अभी क्या करना है कुछ बाकी अभी शायद कुछ मेडिसिन खरीदना है और फिर घर जाना है उतना ही है बाकी तो गाइस मैंने बम्बलबी को नीचे पार्क किया है अभी डायरेक्टली मेडिकल में जाके कुछ दवाई ववाई खरीदेंगे और फिर जाएंगे घर ठीक है और बाकी के जो हमारे बहन आए व्लॉग देख के शायद जेलस हो रहेंगे तो पिछली बार मैंने अशोक को तो लेके आया और फिर कांची को भी लेके आया और अर्चना मेगा सृष्टि काजन भाई पेंडिंग में तो ये व्लॉग देख के जेलस मत होना गाइस आप लोग का भी बारी आप लोग का भी बारी आएगा ठीक है गाइस अभी हमारा पूरा सामान हाथ में आ गया देखो ये पूरा छोड़ के गए थे हम तो पूरा हाथ में फिर सामान आ गया फिर हम सॉक्स खरीद रहे तो यहाँ पर ना सॉक्स ऐसे मिलता है तो ये चार पीस चार जोड़ी का 100 रुपये महंगा है या सस्ता है आप ही बता दीजिए गाइस इसमें बैटरी चेंज कर दूँ अभी काम हो गया ना कंप्लीट तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर मेडिसिन भी खरीद लिया सब कुछ खरीद लिया मम्मी जी के लिए खांसी का दवाई दादी जी के लिए एलर्जी का दवाई सब हो गया चलो हम तो थैंक यू भाई और एक दवाई खरीदना है वो है हमारे स्कूबी के लिए क्योंकि स्कूबी का ना पेट में वो टेप वर्म आ गया ना तो उसका दवाई खरीदना है यहाँ पर जुगा का दवाई दिनो ना ये दर्शन मिल गया हमको आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइस मेरा ब्लॉग कैप्चर कर लिया है जिसने इस पिम्बा माय स्कूल फ्रेंड नाइस टू मीट यू हेयर स्टाइल के भन्दा हेपी सर विन्टरको लागि ल ओके थ्याङ्क यू नाइस मिटिङ यू ल ल फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पर ये क्या अरे बम्बलबी गाइस एक्चुअली इसको ना हमारे बाइक का नाम अभी तक पता नहीं था बोल रहा था बम्बल जी नहीं बम्बल बी है अभी तक बोल रहा था बम्बल जी देखो बम्बल बी तुम्हारा नाम भूल गया योजना इसके साथ बम्बलबी फाइनली अभी घर जाने का टाइम हो गया है और अभी बम्बलबी के साइड राइड में जाएंगे हमने अगर यहाँ पर पार्क किया था आज का मतलब आज बम्बलबी को यहाँ पर पार्क किया था तो चलते हो गाइस अभी चलते हैं तो यस गाइस आज का वीडियो अभी यहाँ पर ख़त्म कर दे एक मिनट वीडियो हेलमेट खोल के ख़त्म कर दे ठीक है तो यस गाइस आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर दे और आज का डे वॉज ग्रेट लवली डेविड योजना और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स जस्ट एंजॉय योर लाइफ बी हैप्पी स्प्रेड लव एंड गाइस
सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय भाई। ये जो आज का दिन कैसा था? आज का दिन बहुत दामी था। हां बहुत दामी था। लो 1 2 3 गाइस टॉय ट्रेन कमिंग हियर। लुक एट दिस गाइस, चेक दिस आउट। कान्छी सुरे निन्द्रामा हे यसको बिक्री लियो दबाई, ये तुम्हारे लिए दबाई सुरुख के साथ। आज वीडियो में दिखा रहा हूँ ठीक है, नहीं तो फिर बोलेगा नहीं लेगा नहीं लेगा नहीं दिया नहीं दिया।